ब्लॉग विश्वमा। तो वापस से हमें कारी साहब के यहाँ पे और यहाँ की लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग तुरंत बोलते हैं ना कि फ़ोटो भेजिए। तो वो सारी डिटेल आज आपको थोड़ा सा जो बारीकियाँ हैं वो आपको बताई जाएंगी, क्या है क्या नहीं है। खैर वैसे पहले वाली वीडियो में भी आप लोग को पूरी अपडेट दी गई थी, लेकिन जो है कि अभी कुछ और अपडेट है और साथ में कुछ कन्फ्यूज़न है जो कि आप लोग को इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कारी साहब है हम लोग के साथ में। तो कारी साहब, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी में? ऐसा कोई आदमी भी मुझे व्हाट्सअप पे, सबसे पहले बात है कि कोई भी शख्स हो मेरा नंबर के ऊपर तुरंत व्हाट्सअप पे हेलो बोल दे बस, हमें कॉल बिल्कुल ना करे, कतई ना करे। अच्छा, नंबर बहुत यूट्यूब पे पड़ा है तो 24 घंटे पूरी दुनिया में देखा करते हैं लोग, तुरंत फ़ोन करते हैं, इसलिए हमें फ़ोन ना करके केवल व्हाट्सअप पे हेलो बोल दीजिए, बस छोड़ दीजिए। फिर घंटा, दो घंटा, चार घंटे बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हमारी पहली रिपोर्ट जो थी, पहली जो वीडियो थी, लोग देख के उसके बाद जो हमसे कहते थे पहले फ़ोटो भेजिए, हम कैसे समझे। तो हमारा मतलब है कि हमारे पास ये फ़ोटो की गड्डियाँ हैं, ये तो हम आपको बैक कैमरा दिखा रहे हैं, कितनी सारी फ़ोटो होती हैं। जब कोई लोग बोलते हैं कि फ़ोटो भेजिए तो ऐसे पता नहीं चल पाता कि आपकी गड्डियाँ। हाँ, अभी मैं आपको बैक कैमरा दिखा रही हूँ। ये जो है ये फ़ोटो की हम गड्डी है सब, हर हाँ। फोटो की गड्डियाँ, मतलब अंसारी, मंसूरी, सलमानी, अब्बासी, कुरैशी, खान पठान, ठाकुर, ब्रह्मा, चमार, पासी, ईसाई, पंजाबी, जो भी हैं सबकी गड्डियाँ हैं अलग अलग। तो जब आदमी हमें 2400 रुपये डालता है यहाँ पर, उसका एक फार्म तैयार करते हैं, फिर हम देखते हैं उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उसकी हैसियत क्या है, कहाँ के हैं, तब वो रिश्ते छाट के तब रिश्ते उसके पास भेजा जाता है, वो फ़ोटो भेजा जाता है। हर आदमी कहता है पहले फ़ोटो भेजिए, ये मुमकिन नहीं हमारे पास में फ़ोटो भेजें जी। और जो आदमी एक दफ़े पैसा दे देता है फिर उसका पैसा ख़त्म ही नहीं होना है जब तक शादी ना हो। अगर वो फ़ोटो पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, घर बैठे से दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं, चाहे 10 बताएं, चाहे 10,000 बताएं, फिर पैसा ख़त्म नहीं होना है। लेकिन हम फ़ोटो पहले नहीं भेज सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, फ़ोटो भेजते हैं, लड़कियों से बात करा देते हैं, वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं ये सारी पूरी इनकी शादियाँ होना है और ये सब हो चुकी है, ये दिखाइए। अच्छा, ये हो चुकी है। हाँ, ये जितना रिश्ता रखा है इधर वाला हमने, इधर ये जितना रिश्ता रखा है, ये सब गड्ढे पूरे, ये सब शादियां हो चुकी हैं। अच्छा, इधर वाली पूरी हो चुकी, इतनी शादी मुझे 16 साल हो रहे हैं, इतनी शादियां सब हो चुकी हैं। जो शादियां हो जाती हैं उसके पीछे ऐसे ये कट्टा मार के हटा दिया जाता है, ये फ़ोटो होता है, कट्टा मार देते हैं, ये हटा देते हैं, तो ये इतने रिश्ते सब हटे हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी फोटोज हैं, पूरी गड्डी बनी हुई, बंडले हैं पूरी, सब ये बंडे हैं, सही, सब हटे हुए, ये सब पूरे गड्ढे, ये जो है ये पूरे गड्ढे, ये सब गड्ढे, ये सब शादियां हो चुकी हैं, ये सब। अच्छा, ये सारी शादियां हो चुकी हैं, ये हटा हुए। और इधर में ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारी शादी रिश्ते हैं और ये भी पूरे बंडल में है। तो जो आप लोग बोलते हो कि तुरंत फ़ोटो भेजिए, तो इसमें मिक्स हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं। तो जब आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते, फॉर्म फिल करते हैं जो कारी साहब क्या का होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी लोकेशन है, एजुकेशन है और आपकी किस कास्ट के हैं, तो वो हिसाब से इसमें से सारी फ़ोटो छटाई होती है, उसके बाद में वो आपको भेजते हैं। अभी आप अंसारी हो और आपको सिद्दीकी में नहीं करना, सिद्दीकी भेज दो, हिंदू का भेज दो, तो उसमें होगा आप गलत रिश्ता बता रहे हो। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है ना। एक एक आदमी हमको कहता रहा फोटो भेजो, हम एक एक आदमी छाड़िए भेजते, तो कहाँ हो पा रहा, बात करना तो टाइम नहीं मिल पाता मुझे किसी से, इसलिए हम कहते खाली हेलो बोल दो, एक हेलो पर सारी जानकारी भेज देते हैं। तो फोटो भेजे कहाँ, हाँ जब आदमी पैसा देता है तब उसे मेहनत करना है, तब काम करना है, तब छटाई करते हैं, तब छटाई करके भेजते हैं हम उसके पास में जी। और नंबर वाली क्या प्रॉब्लम थी जी? हाँ, जो भी नंबर हमारा जो है, कोई आदमी भी जब हमारा नंबर देखे तो केवल व्हाट्सएप पे हेलो बोल दे, बस केवल व्हाट्सएप पे हेलो बोल दे, कॉल बिल्कुल ना करे, कतई तौर पे कॉल ना करे, वो हेलो बोल दे ना, हम बिज़ी रहते हैं, बाद में उसको हम पूरी डिटेल भेज देंगे, एक हेलो पे सारी जानकारी भेज देते हैं ताकि फिर कोई कमी ना रह जाए, इसलिए ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं।
ताकि पूरी जानकारी देने बाद भी लोग हमसे कुछ सवाल करते थे और यही बात कहते थे खासतौर से फ़ोटो भेजिए। तो ये हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर काम मेहनत से और ईमानदारी से हो रहा है, ऐसा नहीं कोई फ्रॉड नहीं है, और 16 साल पुराना है और साल के 365 दिन का ऑफिस है। अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो कोई भी आदमी आपका लखनऊ में अगर जानने वाला हो तो उसको फ़ोन करके कह दो भाई जाओ ऑफिस जाके देख लो समझ लो। अगर आपका जानने वाला नहीं है, आपके किसी दोस्त का जानने वाला है तो उससे फ़ोन करके मालूम कर लो कि भाई लखनऊ में ऐसा ऑफिस है, क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि 16 साल पुराना हो चुका है। एक दो दिन की बात नहीं है कि हमने महीना भर किया और बंद करके भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बेफिक्र रहे आदमी बस। ये दूसरी वीडियो बनाने का मकसद यह था कि आपके इत्मीनान में और इजाफा हो जाए, आप मुतमईन हो जाएँ, आप सर्टिफाइड हो जाएँ। और जो पैसा भेजने वाले नंबर का मसला था वो तो ठीक, वो भेज देते हैं उनको हम। अच्छा, वो नंबर भेज देते हैं, स्कैनर भेज देते हैं वो हम। अच्छा, तो यहाँ पे आदमी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, आईमो कॉल, व्हाट्सअप कॉल, कॉल ना करें, खाली व्हाट्सएप पे हेलो बोल दें बस, फिर हम सारी बातें बताएंगे। तो बात ही बोलना तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, कॉल ना करें हमको। अच्छा, तो वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप फॉर्म वगैरह भेजते हैं। हाँ। अच्छा, नहीं फॉर्म तो नहीं भरे, खाली वो डिटेल उन्हें जबानी भेजना होती है, फॉर्म तो हम भेज मतलब भरते यहाँ हैं। जैसे वो अपने बारे में डिटेल बता दे कहाँ से हैं, लोग ये भी है? लोग ये भी कहते हैं आप फॉर्म भेजिए हमको, फॉर्म नहीं भरना, आपको खाली जबानी बता देना अपनी डिटेल, फॉर्म यहाँ तैयार कर लिया जाता है। फॉर्म भी एक बार दिखा दीजिए कि क्या है। तो यहाँ पे इतनी जैसे ये फॉर्म हमारे पास में है, ये फॉर्म ये दिख रहा है सीधा यहाँ ऐसे। हाँ, ये फॉर्म हमारा ऐसे तैयार किया जाता है यहाँ पे, मतलब धर्म, जात, उम्र, हाइट, शिक्षा, काम, आमदनी कहाँ के, ये सब बातें इस पर लिखी जाती हैं, वो हमारा आदमी खुद लिखता है, आपको दिक्कत नहीं है। ये सब जैसे ये देखिए बाहर बाहर के, ये बाहर बाहर के दिखाई दे रहे उसके बाहर का, ये सब बाहर बाहर के रिश्ते हैं। देखिए ये देखिए इस पर नाम आप खुद पढ़ रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये सब, ये देखिए ये देखिए जी भोपाल, बिहार, श्यामली, ये देखिए ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म तैयार है बाहर के। और ये लोग जो हैं ये देखिए इसके ऊपर सब लिखा होता है कि फ़ोटो, बायोडाटा और पैसा इन्होंने हमको व्हाट्सएप पर भेजा है, इस तरह से सब इसके ऊपर लिखा जाता है। अच्छा, तो ये फॉर्म यहाँ पे ऑफिस में ही भरी जाती है जब आप जो है कि अपना डिटेल, और ऑफिस हमारा साल के 365 दिन खुलता है, सुबह सूरज निकलने से शाम को सूरज डूबने तक कभी भी कोई भी आदमी आ सकता है उस पर। अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं क्या हम आपके ऑफिस आके मिल सकते हैं, तो भाई ये बात पूछने की नहीं है, जब ऑफिस हमारा साल के 365 दिन खुलता है तो आप आ जाइए बगैर पूछे आइए, हमको कॉल ना करिए बगैर कॉल के आइए, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं। हर सवाल इसीलिए दे दिया कि आप ऑफिस आइए, ये सबसे अच्छी बात है, जो लोग ऑफिस आ सकते हैं इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो नहीं आ सकते उनके लिए मजबूरी है, तो उनका घर बैठे काम हो जाता है, लेकिन आपको इतना तो करना पड़ेगा भाई जी, भरोसा भी थोड़ा तो भाई भरोसा करना ही पड़ेगा, इसी भरोसे के हमारे ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग भरोसा कर सकें मेरे ऊपर और ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चीज़ें बातें थी, हाँ नंबर स्क्रीन पे चल रहा है जो, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस मैसेज कर सकते हैं। हाँ भाई, मतलब वॉइस हेलो ना, मतलब ये वॉइस मैसेज, तो व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल ना करें। पहले आप अपनी डिटेल बता दें, किस लोकेशन से हैं, क्या एजुकेशन है, कितनी एज है, तो उस हिसाब से इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं जिनका रिश्ता होना, पूरी बंडल की बंडल है, तो उसमें से आपको कैसे भेजा जाए कौन सी फ़ोटो, ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। तो इसमें क्या करना जी, जी जी हाँ हाँ फालतू में ये दिखाइए वो दिखाइए, तो हम कहाँ करें उसके साथ में, जब पैसा देता है तो ये सारे फॉर्म है, ये सब गड्डियाँ हैं, ये सब इसके ऊपर ये जो फॉर्म है इसके अंदर सब बिरादरी के ये सब लिखे, ये सबके फॉर्म है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ें पैसे वाली बात है, तो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, 2400 रुपये है, 2400 रुपये आपको पे करना वन टाइम, जब तक कि आपका रिश्ता कंप्लीट शादी हो नहीं जाती है,
तो ये चीज़ें हर जगह, जितने भी आप शादी.com वाले पे जाएंगे, चाहे वो ऑफिस बड़ा ऑफिस हो या जैसा भी हो, जहाँ से भी, तो वो पहले पैसे ले भी लेते हैं और बाद में भी लेते हैं, फिर बीच में भी लेते हैं, खर्चा पानी लेते हैं। और आप कहते हैं गरीब लड़कियों ने फ्री करते हैं, तो बिल्कुल गरीब लड़कियों ने फ्री है, लेकिन गरीब लड़की ना मतलब कि जो रिक्शे वाले, खुंचा वाले, झुपापट्टी वाले, इस तरह जो गरीब लोग हैं, उन लड़कियों ने बिल्कुल फ्री करते हैं। अच्छा, बस। लेकिन लड़का चाहे गरीब या अमीर, उससे फ्री। अक्सर लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। भाई लड़का गरीब हो या अमीर हो, लड़के को पैसा देना है। लड़का गरीब हो या अमीर हो, लड़के का पैसा देना है। ये ना तो हम गरीब हैं, क्योंकि आप करोड़पति हो तब भी 2400 रुपये ले रहे हैं, आप सड़कपति तब भी 2400 रुपये ले रहे हैं। हाँ, गरीब लड़कियों का फ्री है, कोई पैसा नहीं उनके लिए, केवल फ़ोटो के 100 रुपये उनको देना है, क्योंकि फ़ोटो हमें 4 फ़ोटो बनवानी पड़ती है इस साइज़ की, ये साइज़ की 4 फ़ोटो बनवानी पड़ती है हमको इस तरह की, तो फ़ोटो के 100 रुपये देना पड़ते हैं लड़की वालों को, जो फार्म का 2300 रुपया है वो नहीं देते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ है गरीब लड़कियों का, मतलब जो बताया 100 रुपये भेजना है, सिर्फ 100 रुपये भेजना है फ़ोटो के लिए, बाकी 2300 रुपये वो नहीं लेना, वन टाइम पे करना होता है। बाकी जगहों की तरह आपको बार बार या बहुत ज़्यादा अमाउंट 10,000-5,000 नहीं पे करना होता है। तो 2400 रुपये होता है, तो आप पहले पे करेंगे तभी जा करके उस पर कोई काम होता है, ये तो सबको मालूम है आज के वक्त में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को एक बार तो भरोसा करना ही होता है। तो अपना जब भी आपको रिश्ते के लिए चाहिए, तो अपनी एज बताएं, लोकेशन बताएं, एजुकेशन बताएं, और किस कास्ट में करना है वो भी बताएं, है ना? नहीं, वो तो हम देंगे वही चीज़। और जो लोग चाहते हैं घर जमाई बनना, तो वही मिला बैठाना, सारी शर्तें आपकी। भाई हम, हमारी फैक्ट्री नहीं है, कोई चीज़ हम बनाते नहीं हैं। आपको घर जमाई चाहिए है, आपको डॉक्टर चाहिए है, आपको इंजीनियर चाहिए है, जो चीज़ चाहिए वही चीज़ मिलेगी हमको। हमने आप पड़ेगा, हाँ, हमने आपको रिश्ता बताया, अगर वो पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी के मना करने में हम नाराज़ नहीं होते हैं, हम उस रिश्ता भेजते ही रहेंगे जब तक हम मना ना करते हैं। बात ख़त्म हो गई यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फ्रेंड्स आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये मेरा 16 साल पुराना हो गया है, और ये मेरा ऑफिस जो है कबाड़ खाने तरह से, आप देख रहे हैं इस वक्त कि मेरा ऑफिस जो है कबाड़ खाने तरह से है। ये मेरी ईमानदारी का सबूत है, क्योंकि अगर हम पैसा कमा रहे होते तो 16 साल में अच्छी खासी हैसियत बना चुके होते हम। लोग हमें इनाम भी देना चाहते, मैं नहीं देता हूँ पैसा किसी से, बस 2400 रुपया। उसके अलावा अगर आप देना भी चाहें कुछ एक्स्ट्रा पैसा, तो कारी साहब वो भी नहीं लेते हैं। तो और क्या चाहिए, 2400 रुपया आप लोग को पहले पे करना ही पड़ेगा, उसके बाद में आपको फिर रिश्ते बताए जाएंगे जब आप अपना डिटेल वगैरह बता देंगे। तो आई होप सारी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से आपको जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। जैसा कॉल ना करिएगा, हाँ, तो जैसा कार्य साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉल डायरेक्ट ना करें, पहले डिटेल बताएं, उसके बाद में सारी बातें आपको व्हाट्सएप से ही क्लियर हो जाएंगी। तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अब तक अपना ख्याल रखें, फैमिली ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।